चार दिनों की लगातार बारिश से धुरवा डैम के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। डैम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय लाल ने। पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से धुरवा डैम की स्थिति में बहुत हद तक सुधार आया है। पिछले कई महीनों से इस धुरवा डैम की स्थिति बेहद ही बदहाल सी हो गई थी। पानी पूरी तरह से सूखता हुआ चला जा रहा था, लेकिन अब पिछले कई दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, मॉनसून की बारिश, उसकी वजह से इस धुरवा डैम की सेहत बहुत हद तक सुधर गई है। हमारे सहयोगी देवाशीष कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी तक 24 फीट पानी इस धुरवा डैम में आ चुका है। देखेंगे जो पानी की गहराई मापने के लिए जो फीट लगा हुआ है, 24 फीट बिल्कुल लबालब भर चुका है। थोड़ी और बारिश होगी तो ये 25 फीट तक चला जाएगा। कम से कम आसपास के इलाकों में जहां धुरवा डैम के मार्फत से पानी की आपूर्ति होती है, वो कम से कम अगले 4-5 महीने के लिए मुफीद माना जा रहा है। कुछ माह पहले तक जब न्यूज 11 की टीम यहां पे मौजूद थी जून के महीने में और जुलाई 15 तक, स्थिति बहुत चिंताजनक थी। पानी बिल्कुल नहीं था, यहां से सीधे धुरवा डैम के जमीन को देखा जा सकता था, लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार आया है। ये धुरवा डैम फिलहाल लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी पूरा मानसून बाकी है। 2 सितंबर को भादो का पूर्णिमा है, उसके बाद से आसीन मास की शुरुआत होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि अभी भी कम से कम 10 से 12 दिन अच्छी बारिश की संभावना मौसम विज्ञानी जता रहे हैं। मतलब यह कि इस धुरवा डैम में और भी पानी जमा होगा, जो कि हमारे लिए, आपके लिए और पूरे राजधानी रांची के लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम आने वाले दिनों में पीने की पानी की कोई कमी नहीं होगी। कर्मण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।